फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिविड चैनल। आज है 5 जून। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो जो इसमें स्टेटमेंट वन है, इट एम्स एट इंश्योरिंग सफिशियंट फूड ओनली फॉर द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एक्सक्लूड्स द बेनिफिशरी अंडर TPDS एंड PHS राशन कार्ड होल्डर्स। सो बताए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। सो फ्रेंड्स बताइए, जो अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण योजना अन्य योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, सो इसके अंतर्गत इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंड हुई है नवंबर तक, सो इसके अंतर्गत जो सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कराया गया है, वो जितने पुअर लोग हैं और जो भी नीडी हैं, जो फूड के लिए जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए COVID-19 लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई है और ये भी एक्सटेंड हुआ है नवंबर तक। सो जो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट था कि ओनली इसमें TPDS एंड PHS राशन कार्ड होल्डर ही रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो इसके अंतर्गत जितने भी अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं और जो भी बेनिफिशरी हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर और प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उन सभी के लिए स्कीम लागू है और इसमें 80 करोड़ लोग इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। सो जो स्टेटमेंट वन है, इट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इंडिया हैविंग ए विजन ऑफ डो फ्री स्पोर्ट। स्टेटमेंट सेकेंड, इट इम्प्लीमेंट्स द एंटी डोपिंग कोड टू अचीव कॉम्प्लियंस बाई ऑल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एक्सेप्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया विच हैज़ इट्स ओन कोड। सो इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू। सो फ्रेंड्स, जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसके अंतर्गत जो इंडिया के लिए अभी एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए, तो उनका विजन है डो फ्री स्पोर्ट होनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की डोपिंग ना देखी जाए। तो जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है एंड स्टेटमेंट टू गलत है, क्योंकि जो BCCI है वो भी हाल ही में नाडा के अंतर्गत आ चुका है। सो स्टेटमेंट टू इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओनली वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेड प्लस। सो स्टेटमेंट्स आर, इट क्रिएट्स ए फाइनेंशियल वैल्यू फॉर कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बाई ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर कंट्रीज टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड। ऑप्शन नेक्स्ट है, इट इंसेंटिवाइज डेवलप्ड कंट्री बाई ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन। सो बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है इसमें, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, सिर्फ पहला सही है। जो अभी युगांडा जो पहली कंट्री बनी है जिसने सबमिट कराया है रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो युगांडा था वो पहली कंट्री बनी है अफ्रीका की, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन था इसमें, सो इसमें जो अभी देखने को मिलता है कि ये इंक्रेज करता है डेवलपिंग कंट्री को जो कि एक लोग कंट्रीब्यूट करे कि जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिटिगेशन इफेक्ट जिसको रिड्यूस करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए। सो ऑप्शन जो सेकंड था वो क्या था? गलत था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ओनली वन सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोडम आइसलैंड रिसेंटली सीन इज न्यूज इज लोकेटेड इन। ऑप्शन आर अंडमान निकोबार आइसलैंड, मुंड्रे आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड और इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जो नारकोडम आइसलैंड है वो अंडमान में पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अंडमान। सो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल जू अथॉरिटी। सो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो रिसेंटली हमने न्यूज़ में काफ़ी देखा है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। सो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ठीक है, पहला है इट इज़ ए स्टेचुटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और दूसरा है इट एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन जू इज अप्रूव्ड बाय द CZA। ऑप्शंस थ्री हैं इट कैन रिकॉग्नाइज ए जू बट इट डज नॉट हैव द पावर टू डीऑर्गनाइज अ जू। इट कैन रीऑर्गनाइज ए जू बट इट कैन इट इट डज नॉट हैव द पावर टू डीऑर्गनाइज अ जू। सो फ्रेंड्स ऑप्शंस है इसमें कि कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। सो फ्रेंड्स इसमें जो हमें आंसर देखने को मिलेगा तो वो हम यहीं पे दिखा सकते हैं कि जो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों होगा? इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जो CZA है सेंट्रल जू अथॉरिटी, सो इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये किसी जू को बना भी सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है। सो जब तीसरा गलत हो गया तो हमारे इससे बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन वन इज़ करेक्ट आंसर। सो जो CZA है वो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज अमेंडेड टू इस्टेब्लिश द CZA। तो इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इसी को अमेंड करके CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया गया है। और इसको चेयर करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसको चेयर करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सो स्टेटमेंट वन है इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन इंडिविजुअल ए टेररिस्ट। दूसरा है इट गिव्स पावर्स टू NIA टू सीज प्रॉपर्टीज दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म। सो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो पहला है वन ओनली, दूसरा है सेकेंड ओनली, तीसरा है बूथ वन एंड टू, और इनमें से कोई नहीं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है बूथ वन एंड टू। तो ये जो ऐड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनलॉफुल प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था, जो इसमें फर्स्ट शेड्यूल है इसके अंतर्गत जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में लिखा गया है। जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें लिस्ट ऑफ टेररिस्ट लिखा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैक्सीन्स अंडर डेवलपमेंट फॉर COVID-19 डिजीजेस। इनमें है CHADOX1, एन COVID-19, कोवैक्सीन, F5 and COV। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शंस आर वन एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड ऑल ऑफ द अबो। सो फ्रेंड्स अभी जो COVID-19 की जो मेडिसिन तैयार हो रही हैं तो इसमें अंडर डेवलपमेंट भी तीनों कंपनियां हैं, तीनों दवाएं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। सो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन है CHAD01 एंड COVID-19, तो ये अभी हाल में बनाई जा रही है जिस पे काम चल रहा है। तो ये एक कॉमन कोल्ड वायरस की ऊपर ये देखने को मिलता है, तो उसकी मेडिसिन की तरह ही इसको बनाया जा रहा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया जा रहा है। और दूसरा है भारत बायोटेक इंडिया, इसका नाम है कोवैक्सीन, तो ये इंडिया द्वारा बनाई जा रही है। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा बनाई जा रही है। और जो तीसरी है चाइना द्वारा बनाई जा रही है कैनसिनो बायोलॉजिस्ट। जो COVID-19 वैक्सीन है ये कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल जू अथॉरिटी। सो इट इज़ ए स्टैचुटरी बॉडी अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द CZA। तो इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं। सो फ्रेंड्स हमने अभी बताया था कि स्टैचुटरी बॉडी, ये सही बात है, लेकिन सो फ्रेंड्स इसमें हमने भी देखा था कि स्टैचुटरी बॉडी तो सही है लेकिन जो दूसरा है इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनी, तो ये गलत है। 1972 के अंतर्गत ही आई थी, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर द चेयरपर्सन ऑफ द CZA, तो ये भी गलत है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसके करती चेयरपर्सन होती है CJRD की। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्चर ऑफ असम। द देवधानी डांस एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ गॉडेस मानसा। दूसरा है, बोहक बिहू फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ असमीज न्यू ईयर्स। तीसरा है, सत्रिय क्लासिक डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई श्रीमंता शंकर देवा इन द 15th century। सो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड जो IRCTC है, तो इसके लिए कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। और स्टेटमेंट्स हैं, जो IRCTC है ये एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। दूसरा है कि IRCTC ऑपरेट इंडिया फर्स्ट कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, जो स्टेटमेंट सेकंड है, जो लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी वो IRCTC के द्वारा, जो पहला कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन था वो चलाई गई थी IRCTC के द्वारा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।